हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। देवा मंडी में मैं हूं और यहां पर चालबाज घोड़े एक से एक आए हुए हैं। तो जब चालबाज घोड़ों की बात होती है तो अनवर सभासद जी का नाम बहुत अच्छे चालबाज घोड़ों में आता है। तो हमें यहां पर मिले, लखनऊ से आए हुए हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं और बहुत धाकड़ घोड़े लेके आए हैं। तो भाई आए तो हम आपको दिखाएंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे। बता रहे थे कि छोटे छोटे थे, एक बार नंगी पीठ पर ऐसा बैठे कि आज तक शौक गया ही नहीं। तो चलिए आइए बात करते हैं अनवर सभासद जी से और जानते हैं उनके घोड़ों के बारे में। चलिए आइए सर, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक है, बढ़िया है, सब खैरियत है जी, हाँ खुदा का शुक्र है। अच्छा, जो स्पोर्ट्स मैन होता है बड़ा फिट रहता है, बड़े चमक रहे हैं माशाल्लाह। स्पोर्ट्स मैन तो थे ही भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कितने घोड़े लेके आए हैं अभी? 6-7 घोड़े हैं। 6-7 घोड़े लेके जी, इसके बारे में बताइए क्या घोड़ा? ये हमारा बादल है। बादल है ये? जी हाँ। क्या उम्र बादल है? तो अब ये थोड़ा उम्र दराज हो गए हैं। अच्छा, पैर से एक दाहिने पैर से इनके हाँ थोड़ा तकलीफ है, इसलिए नहीं तो इनका जवाब नहीं था। कितनी स्पीड थी? बहुत स्पीड रही इनके अंदर। तो स्पीड का ही है आपके अंदर जो जोश है? भाई देखिए, स्पोर्ट्स मैन हम थे। अच्छा। और स्पोर्ट्स मैन ही हम घोड़े रखते हैं। ये बात सही है, ये जो हम लड़ते हैं, लड़ते रहे, लड़ाका घोड़े हैं आपके? जी हाँ बिल्कुल। तो अभी आप ये कब से है आपके पास? ये हो गया करीब 14-15 साल से। 14-15 साल से आपके पास? तो अभी कैसे ब्रीडिंग के लिए रखा है, कैसे कर रहे हैं बस? हाँ नहीं, अब यहाँ लाए हैं। नहीं, घोड़ियों पे कवर अवर के लिए अपने करते हैं? नहीं नहीं। तो अच्छा घोड़ा है इसका, तो आपको रखना चाहिए। हाँ हाँ रखना चाहिए, मगर अभी अब सोचेंगे, अभी कोई वो नहीं हो गया इनका। अच्छा, अभी उम्र के उतनी ज़्यादा नहीं उम्र हो गई, अभी ये पैर ठीक हो जाएगी, हो जाएगा ना, तो ये फिर अभी रफ्तार में चलेंगे। हाँ, फिर अपना जलवा पे लेंगे। जलवा पे लेंगे, ये बहुत बढ़िया है। इसका बताइए, इसके बारे में। ये सुरंग है, जितना ही छोटा है उतना ही खोटा है। गाँव करे गंभीर, मतलब ये है चाल में बहुत अच्छा है अभी। अच्छा घोड़ा हमारा ये, बढ़िया। हाइट ज्यादा नहीं है? हाइट इसकी ज्यादा नहीं है, सिंधी नस्ल है ना? हाँ, सिंधी नस्ल है। और वैसे ही है ये स्पोर्ट्समैन, WWE के रेसलर घोड़े हैं सारे। जी, सारे घोड़े हमारे रेसलर हैं। और आपके सवार कौन रहते हैं? ये एजाज साहब हमारे। अच्छा, एजाज भाई है, बड़ा किलकारा काटते हैं, ये बहुत चीखते हैं। बहुत चीखते हैं, सवार बिना चीखे मजा भी नहीं आता है। तो ये अभी कितनी स्पीड से चल रहा है, अगर स्पीड की बात करें तो? अब वो आप तो देख ही चुके हैं जी। हमारे कोई घोड़े 40 के दरमियान में रहते हैं, सारे घोड़े 40 के आस पास, कम नहीं होंगे, एक आध पॉइंट हो सकता है, बहरहाल 40 के पार ही होंगे। और अगर यकीन किसी को ना हो तो खुलवा करके देख ले। वैसे तो देखिए, आप पे तो यकीन ही है लोगों, क्योंकि आपके घोड़े चलते हैं जी। बाकी जितने भी चालबाज घोड़े होते हैं सब 40 ही चलते हैं जी? नहीं, मुंह से चलते हैं। हाँ सही बात है, वो सही है, चालबाजों में अपना अपना मानना है। बस बस बस, चलिए आइए और देखते हैं इस घोड़े के बारे में। ये तो सब्जी के बारे में जान ही रहे हैं आप। ये सब्जा तो भाई धूम मचाए पड़ा है मेले में, तो बहुत हाइट भी इसकी अच्छी है। हाँ, इसके करीब 63 होगी ना एजाज? आ गया 63 हाइट इसकी लगभग होगी, क्यों एजाज? 63 से कम नहीं होगी, 62-63 के आसपास है। है सिंधी में ये भी? सिंधी नहीं, प्योर चौताला। अच्छा, सिंधी नहीं, नस्ल की बात नहीं, नस्ल तो सिंधी है मगर चाल चौताला की। अच्छा, चौताला। अगर कहीं सिंधी चलता होता तो पता नहीं क्या करता। नहीं, जोश बहुत है इस घोड़े में चलने का, जज्बा मैंने जो देखा, आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जज्बा बहुत है इस घोड़े में चलने का। उम्र की बात करें तो क्या हो गई? उम्र इसकी 7 साल की होगी। आपके पास कितना टाइम हो गया? हमारे पास 3 साल हो गए करीब। क्या देख लिया था आपको, कहाँ से मिल गया ये नगीना? बस ये ऐसा था कि हम तो वो क्या कहते हैं कि रोड पे चल रहे थे, पर अंदाजा लग गया कि ये कैसा है। ये तो वही बात हो गई, इमरान खान को वकार यूनुस वहीं कहीं मिल गए गली में। जी जी जी। नहीं, घोड़ा बहुत बढ़िया है। तो रेस बस लड़ा है अभी? कितने दंगल लड़े? कई रेस लड़े, कितनी, यहाँ से बिहार तक सब लड़के आया। तो कितने में जीता है ये चैंपियन? जीता कई में। आप भी तो रेस कराते हैं? हाँ, हम अपनी रेस कराते हैं और इंशाल्लाह आपकी लाभ को जरूर दावत देंगे। बिल्कुल 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 जी। इस घोड़े की आप बनावट देखिए जी, बहुत ही शानदार बनावट और एक जज्बा जुनून है चलने का। और देवा मंडी में ये आया हुआ है, अनवर सभासद जी का ये घोड़ा है। तो ये आप बता रहे हैं कि चलते चलते मिल गया है? जी हाँ जी हाँ, किस्मत ही होती है। बस बस, ये लक्ष्य मिलते हैं घोड़े, लक्ष्य ही मिलते हैं वैसे।
चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये अबलक है, सिंधी चलता है ये। इसका नाम क्या है? सका भी रख दिया इसका। जी और इसका क्या नाम था? इसका तैराज। जी अच्छा, आपको नाम नहीं पता, बच्चों ने रख दिए हैं बस। जी 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 जी, जी, जी। तो इसकी अगर स्पीड की बात करें तो क्या चलता है ये? कौन ये? ये वाला। हाँ ये स्पीड में कम नहीं है। ये कैसा चलता है? सिंधी चलता है। सिंधी चलता है। हाँ, सिंधी। उम्र की बात करें तो उम्र कितनी है इसकी? उम्र इसके अभी 5-6 होगी, 5 साल की है। 5 साल की उम्र जी है। और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, मजबूत, प्यारा घोड़ा है। तो रेस वेस में ले गए आप इसको? हाँ हाँ, रेस में कई जगह। अच्छा, फैजाबाद में ये तीसरा स्थान आया था इसका। तो इसकी उम्र कितनी बताई आपने? 5 साल। आपके पास कितना टाइम हो गया? हमारे पास एक डेढ़ साल हो गया। हाँ, एक साल। ये आप ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं भाई। ये मानना पड़ेगा आपकी जी, नजर जी। आपकी जी। नजर और निर्मा सुपर दोनों एक ही हैं। तो ये क्या स्पीड है इसकी? स्पीड की बात करें तो स्पीड 38-39। और ये तैराज की क्या स्पीड है? ये 40 तो पार है। 40 को पार करता है ना? भैया 40 पार वाले हैं, रफ्तारी घोड़े हैं जी। इसके बारे में बताइए। ये हमारा गर्रा है। ये गर्रा घोड़ा है। हाँ, चौताला है। चौताला चलता है ये। जो भी चलता है। हाँ, यासूद। नाम यासूद है जी। हाँ, और ये जी अपनी औकात से ज्यादा चल जाते हैं। अच्छा, ये क्या? मैं मतलब समझा नहीं कैसे। मतलब ये है कि छोटा घोड़ा है। हाँ, और देखने में उतना ऊ नहीं लग रहा है। हाइट कितनी है इसकी? हाइट इसके 56-57। हाँ, इसकी तो फिर भी ठीक है, अब लग की तो ठीक ही है। हाँ, ये करीब 58 की है। इसकी उम्र के बारे में बताइए। इसके अभी तो 4 दांत है। 4 दांत। कितना टाइम हो गया लिए हुए इसको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, तो ये स्पीड की बात करें तो कितना चल रहा है अब इतने टाइम पर? ये 35-36 पक्का है, एकदम पक्का है। जितना बताएंगे उसमें कमी नहीं होगी। अच्छा, और 35-36 से बढ़ सकता है, घटेगा नहीं? नहीं घटेगा। और ये दंगली है ये भी? हाँ हाँ, बिल्कुल, कई बार ले गए। फर्स्ट आया था दंगल में, सुल्तानपुर में। हाँ। अच्छा, चलिए इसके बारे में बताइए। ये अबलक है जी। ये बहुत पुराना सिंधी घोड़ा है। या ये क्या उम्र हो गई इसकी? इसकी उम्र हो गई होगी करीब 15-16 साल की। 15-16 साल का है? जी हाँ जी हाँ। तो आपके पास कितना टाइम हो गया इसको? ये हमारे पास कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए इसको। जी हाँ। और इसकी चाल की बात करें तो? सिंधी है। इसको ऊपर कर, हट बेटा। चाल सिंधी चलता है? जी हाँ जी हाँ। और जी नसल तो है ही सिंधी? हाँ, नसल सिंधी है। हाँ, चाल भी सिंधी चलता है, मगर लग नहीं रहा इतना पुराना। हाँ, खान पान बड़ा जबरदस्त है जी, जी। तो कितना आपके पास कितने टाइम से है ये? 10 साल हो गया आपके पास? 10 साल जी हाँ। अरे, तो पुराने घोड़े आपका एक वो स्टार्टिंग वाला और एक ये? ये तो इसकी स्पीड ये कितना चल जाता है? अरे ये भी 37-38 और 40 छूता है अभी भी। हाँ, तो दंगल में ले गए इसको? हाँ, गए दंगल। क्या नाम क्या है इसका? इनका नाम पहले शुरुआत में रखा गया था मोहन। अच्छा। अच्छा, मोहन है ये जी। मोहन पांडे, जागो। हाँ, मोहन पांडे जी, जी। तो इस बढ़िया चल रहा है ये भी काम? अच्छा चलता है। और कौन सा है आपके पास? उम्र के हिसाब से अभी, अरे घोड़ा कहाँ बुढ़ा होता है जवान। घोड़ा तो खैर ये सही है, तो बस यही लाए ना जी। जी सभासद जी, ये बताइए मुझे जी, ये आपके पास सिंधी घोड़े हैं जी, इनको पालना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? देखिए, इसमें पालने के लिए सिर्फ शौक जो है, अगर हाँ, अगर हमें शौक है हाँ, तो कोई मुश्किल नहीं। हम अपने हाथ से भी करते हैं। हाँ, 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 हटाना बनाना खरारा वरारा ये जब हाँ, तक हम खुद नहीं लगते हैं तो हाँ, किसी लेबरों के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। अगर शौक है ना तो सब आसान है। मारवाड़ी कभी पाले? नहीं, मारवाड़ी नहीं पाले। इनकी डाइट का थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि देखिए आप जानकार हैं, लोग आपको देख के बहुत कुछ सीखेंगे। जी, जी, क्योंकि सिंधी घोड़ों को पालना लोग कहते हैं कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है, डाइट के बारे में थोड़ा सा। डाइट ऐसा है कि इनको हम चना भी देते हैं। हाँ हाँ। और चोकर भी देते हैं गेहूँ का। हाँ। चने की चूनी भी देते हैं। हाँ हाँ। और गेहूँ दरिया, अच्छा, वो भी देते हैं। हाँ हाँ। दूध भी देते हैं। कितना रोज इसको एक्सरसाइज करानी चाहिए? कि जैसे रनिंग है, कम से कम 5 किलोमीटर से तो कम एक्सरसाइज नहीं करानी रोज का? दी दी दी। रोज का ना? अच्छा, जैसे नए कोई पाल रहे हैं और चालबाज में उन्हें आना है तो उनको क्या देखें वो घोड़े का? क्या जैसे चालबाज अगर उसके हाथ पैर निकल रहे हैं? हाँ हाँ, है ना, तो बचपन में ही पता चल जाता है। पता चल जाता है।
भदरी कैंसिल हुई, कैसा लगा? अब अच्छा तो नहीं लगा, मगर क्या करें, मजबूर थे। बड़ा दिल टूटता है घोड़ेबाज का भाई, जब इसीलिए पाले हुए हैं, शौक है। जब वहाँ गए और रेस नहीं हुई, एक बार ऐसे बिहार से भी हम भाग गए थे। अच्छा, बारिश हो गई, बारिश की वजह से थोड़ा। हाँ हाँ, ब्रह्मपुर। अच्छा, ये बताइए अब बैठते हैं कि नहीं बैठते? हाँ बैठते। तो कौन से वाले, सिंधी वाले बैठे थे, चौताला वाले? इसी पर बैठ लेंगे, सिंधी पर ही बैठ लेंगे। हाँ, सिंधी बैठ लेंगे, चौताला बैठ लेंगे। बैठने के लिए छोटे से, इतने बड़े से बैठ रहे हैं तो बैठ तो लेंगे। चलिए अनवर जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद ये करते हैं जैसे आपके घोड़े नाम कमा रहे हैं और आप घोड़ों को टाइम दे रहे हैं, और आगे जाएं आपके घोड़े और नाम करें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।